हेलो ऑल, आज हम शेयर करने वाले हैं गुजरात के अहमदाबाद सिटी में बसे हुए साइंस सिटी की। ये है साइंस सिटी का मैप। यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, अलग अलग पॉइंट्स के नंबर वाइज डिटेल्स भी दिए हुए हैं। ये पापा हमारे चलते हुए, और ये आ गई ट्रैम। ट्रैम में बैठ के देखने का भी मजा कुछ और ही है दोस्तों। बोर्ड्स दिख रहे हैं। तो साइंस सिटी के अंदर हम आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा धूप है, हवा थोड़ी सी चल रही है, और अब हम जाएंगे प्लैनेट अर्थ के अंदर। ये आप देख रहे हैं प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ के यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। एंट्री पे यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत ग्लोब का मॉडल। यहाँ पे टाइमिंग्स है। यहाँ से अंदर आते ही आपको दिखाई देगा प्लैनेट अर्थ के अंदर का खूबसूरत नज़ारा। जी हाँ दोस्तों, प्लैनेट अर्थ के अंदर जो भी कुछ अलग अलग रचनाएं होती हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। मम्मी पापा की एंट्री होती हुई। जंगल की प्रतिकृति यहाँ पे आप देख सकते हैं। वाह, बेहतरीन तरीके से पूरा जंगल का फील देता हुआ ये ग्लोब। वैसे मम्मी पापा को घूमने का बड़ा शौक है, और आज साइंस सिटी में वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहे हैं। एनर्जी जनरेशन, एनर्जी ट्रांसमिशन जैसे अलग अलग मॉडल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। आपको अगर साइंस सब्जेक्ट अच्छा लगता हो तो आपके लिए ये जगह परफेक्ट है। इसके अंदर लिफ्ट भी जो बनाई गई है उसके दरवाजे कांच के हैं, तो इसलिए आपको बाहर का पूरा नज़ारा ऊपर जाते जाते भी दिखाई देता है। वोल्केनो की वजह से अलग अलग प्लैनेट के अंदर लेयर्स बने रहते हैं। इंजीनियरिंग जियोलॉजी सब्जेक्ट में मैंने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है। ये है वोल्केनो का मॉडल। और ये है कुछ मिनरल्स, अलग अलग तरीके के मिनरल्स यहाँ पे उनके सैंपल्स लगाए हुए हैं। टाइप ऑफ रॉक्स ये सगळो काम आला जियोलॉजी मध्ये। मिनरल्स के बाद हमने देखा चिल्ड्रन प्ले एरिया। भाई वाह, छोटे बच्चों के सारे दोस्तों के यहाँ पे पेंटिंग्स लगाए हुए हैं। देखिए मिकी माउस क्या कैसे हंस रहा है। मरीन केमिकल्स, भाई मेरे लिए तो केमिकल्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट जाता है, लेकिन अगर आपको इसका शौक हो तो आप यहाँ पे आके इसकी पढ़ाई कर सकते हो। वैसे पानी के अंदर जाने के बाद जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, तो मानो हम जैसे पानी में ही सैर कर रहे हैं, समुद्र के अंदर गए हैं, और वहाँ पे ही ये एक एग्जीबिशन जैसा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये है रिवर का मॉडल। रिवर कितनी छोटी यहाँ पे दिख रही है, घर छोटे छोटे दिख रहे हैं, मानो हम फ्लाइट में बैठे हो और हम ऊपर से सब कुछ देख रहे हो। ऐसा ही एक खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आगे हम देख रहे हैं फॉरेस्ट का मॉडल। अलग अलग टाइप के ट्रीज यहाँ पे है, और नीचे मिट्टी दिखाई दे रही है। परफेक्ट एक मॉडल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। वैसे प्लैनेट अर्थ के बाजू में अलग से एक्वेरियम बना हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे झलक आप देख सकते हो। अलग अलग टाइप की फिश यहाँ पे दिखाई दे रही है।
लिफ्ट से ऊपर की ओर जाएंगे। लिफ्ट आ गया है। लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ह्यूमन एनाटॉमी सेक्शन है, बॉडी के अंदर क्या क्या होता है हे लहान मुलांना शिकायला किती छान आहे नी। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पे अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है और वो भी है बड़े बड़े मॉडल्स के साथ। देखिए यह है हार्ट, और यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है स्केलेटन जो बैठा है बाइसिकल के ऊपर। और अब यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि हम साइकिल के ऊपर बैठने के बाद जिस तरीके से साइकिल चलाते हैं हमारे बोन्स कैसे मूव होते हैं। ओहो काफी बढ़िया है, पापा को बहुत मजा आ रहा है। और पापा के टर्न के बाद आती है मम्मी जी की बारी, देखिए उनको भी ये एक्सपीरियंस लेना है। ओ फाइनली आ गया। और ये आ गया आपका दोस्त स्केलेटन। पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है ह्यूमन बॉडी के बारे में। यहाँ पे दांत है, मैन एज एन इंडस्ट्रियल पैलेस, पैलेस। ह्यूमन बॉडी के बारे में जानना हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो अलग अलग काम करते हैं उनके एग्जांपल्स देके बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो हमारे पार्ट्स रहते हैं वो ठीक उसी तरह से काम करते हैं। देखिए पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है अलग अलग मॉडल्स के ज़रिए। अरे बाबरे आंटी क्या हो गया आपको? ओह क्या है ये? यहाँ पे एक हॉस्पिटल का मॉडल बनाया गया है। ऐसे ही ऊपर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि सच में कोई पेशेंट एडमिट है। तो ये था मूविंग आउट का साइंस सिटी का पार्ट वन। पार्ट टू के लिए स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय साथी चल।